बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हजरत मौलाना रूमी लिखते हैं कि एक मर्तबा हम किसी सफर में थे कि अचानक तूफान आ गया। वो इतना तेज था कि हर तरफ अंधेरा छा गया। बारिश होने लगी तो हम किसी दरख्त के करीब हो गए तो हम दो आदमी थे। वहाँ पहले दो नौजवान भी मौजूद थे। उनमें से एक बोला कि सामने एक बरामदा है, वहाँ चले जाते हैं। सब वहाँ चले गए तो एक आदमी वहीं खड़ा रहा। सब ने उसको कहा, यहाँ आ जाओ, तूफान तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचा दे। तो वो बोला, कोई नहीं, अल्लाह ताला बचाएगा। इतने में एक और आदमी वहाँ से गुजरा तो वो भी उसको यही कहने लगा कि यहाँ से हट जाओ, दरख्त कहीं गिर ना जाए। तो वो फिर भी ना हटा कि अचानक दरख्त ऊपर से गिरा और उसके सर पे जा लगा। वो वहीं फौत हो गया। बाकी जो लोग बरामदे में थे वो कहने लगे, ये बाबा जी हमें एक मसला समझाएं कि इसका तवक्कल अल्लाह ताला पे इतना मजबूत था, फिर भी वो मर गया। तो वो कहने लगे कि बेटा, तुमने गौर नहीं किया कि उसको चार बंदों ने समझाया। वो सब अल्लाह ही ने तो भिजवाए थे, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदे पे मेहरबान है। अब ऐसे भी नहीं होता कि बंदा किसी कुएं में छलांग लगाकर कह दे कि अल्लाह ताला बचाएगा। जिंदगी में अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जब कोई मुसीबत आती है तो अल्लाह ताला अपने बंदों के जरिए से हमें समझाता है, और हम अगर उसकी बात नहीं मानते तो हमें नुकसान जरूर होता है। जब कोई हमें किसी काम से रोकता है तो हम यही सोचने लग जाते हैं कि इसको शायद हमसे कोई नुकसान होगा, तब ये हमें रोक रहा है। क्योंकि दुनिया में हमारा जितना नसीब और रिजक अल्लाह ताला ने लिखा है उसको हमसे कोई नहीं छीन सकता। एक शख्स अपने हालात से बहुत तंग था। वो परेशान रहता कि मैं कहाँ जाऊँ, किसी को अपनी मुसीबत सुनाऊँ। एक दिन वो रास्ते के किनारे पर बैठा सोच रहा था कि मर ही जाऊं तो जान छूटेगी सब मुसीबतों से, कि वहां से एक बुजुर्ग गुजर रहे थे। वो उसे एक गांव का रास्ता मालूम करने लगे तो वो गुस्से में कहने लगा, मुझे नहीं मालूम, जाओ किसी और से पता करो। वो उसके करीब आ गए और कहने लगा, बेटा क्या बात है, जिंदगी से इतना तंग आए हुए हो कि अल्लाह ताला ने दुनिया में हर मुसीबत का मसला रखा है, बताओ कि मसला क्या है, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद करूं। तो वो कहने लगा कि मेरा नसीब ही खराब है, हाथ में कुछ भी नहीं, घर में बीवी बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और हाथ में इतना कुछ भी नहीं कि उनको दो वक्त की रोटी भी दे सकूं। वो कहने लगे, बस इतनी सी बात है, याद रखो, रिजक देना ना देना तो अल्लाह ताला के हाथ में है, उससे एक बार दिल से मांगो, उसकी कदर करो, उसने तुम्हें अपनी हर नेमत दे रखी है, जाओ उसके हजूर सजदा करो, उससे मांगो, फिर देखना अल्लाह ताला तुम्हें कितना देता है। वो मस्जिद गया और अल्लाह ताला से रोकर मांगने लगा कि एक शख्स वहां आया और कहने लगा, मैं इस शहर में नया आया हूं और मैंने यहां एक बाग बनाना है, कोई शख्स मेरी मदद कर सकता है कि वो मेरे बाग की रखवाली भी करे तो मैं उसको हर महीने 5 दिरहम तनख्वाह भी दूं। वो शख्स बहुत खुश हुआ क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको अपनी रहमत से मायूस नहीं किया था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने इरशाद फरमाया कि जिंदगी में 3 रिश्ते ऐसे हैं कि जिनकी कदर किया करो, अल्लाह ताला तुम्हें रिजक की कभी कोई कमी नहीं आने देता। इनमें एक पहला सबसे प्यारा रिश्ता तुम्हारी औलाद है, दूसरा तुम्हारी वो बीवी जो अपना सब कुछ छोड़कर आती है, और तीसरा तुम्हारे वो माँ बाप जो हमेशा भला ही चाहते हैं और तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकते। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करें। शुक्रिया।